गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पीपीएस 8th क्लास। दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 3, खोटे सिक्के। अब तक आपने पढ़ा कि एक छोटा लड़का थैली हाथ में लिए मिस्टर खन्ना से कहता है कि ये खोटे सिक्के हैं जो उसके बाबा ने चुनकर भेजे हैं। खन्ना साहब उस लड़के को वहां से भगा देते हैं। खन्ना साहब टकसाल में उच्च पदाधिकारी हैं। कलकत्ता से छात्राओं का दल वहां घूमने के लिए आया है और वह दल टकसाल को भी देखना चाहता है। खन्ना साहब ने अपना परिचय दिया और फिर वह उनको टकसाल दिखाना शुरू करते हैं। वह किसी मशीन के पास खड़े होकर उसको चलाने के लिए कहते और फिर उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब आगे घूमते घूमते वे एक बड़े से हॉल में आए जहाँ की दैत्याकार मशीनें, दैत्याकार का अर्थ है राक्षस जैसी बड़े आकार की मशीनें कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज से बेतहाशा दहाड़ रही थी। खन्ना साहब के शब्द उस भीषण गर्जना, भीषण भयंकर गर्जना आवाज शोर में ही खो जाते थे। परिस्थिति का फायदा उठाकर मुंह को अति निकट लाकर वे बता रहे थे, यहाँ पर तैयार धातु के बड़े बड़े बार्स को पतला किया जाता है। छात्राएं मशीनों से काफी दूर खड़ी थी, फिर भी उनका शरीर जैसे झुलसा जा रहा था। आग से लाल लंबी लंबी सलाखें फटाफट ऊपर से नीचे गिर रही थी और नीचे हाथों में बड़ी बड़ी गड़ासियां लिए मजदूर उन सलाखों को उसी गति के साथ उठा उठा कर पास ही पानी की नालियों में पटकते जा रहे थे। नालियों का पानी बुरी तरह खौल रहा था और उनमें से गर्म गर्म भाप उठ रही थी। आकार प्रकार को देखकर ही जाना जा सकता था कि ये सलाखें उठाने वाले जीव मनुष्य हैं, वरना उनके भाव शून्य चेहरे और मशीन की तरह निरंतर खटपट चलते हाथों को देखकर मशीन का ही भ्रम होता था। बरसों से निरंतर मशीनों के बीच काम करते रहने के कारण वे सावनी हवा और वसंती बहारों को शायद भूल चुके थे। उनकी रगों का खून शायद जलकर राख हो गया था। जिंदा रहने के लिए बड़ी तत्परता से वे मौत से खेल रहे थे। छात्राओं के चेहरे दया और भय से आक्रांत हो उठे। हाय रे, कैसा खतरनाक काम है, एक ने कहा, दूसरे ने इससे भी अधिक सहानुभूति से कहा। मैं तो इतनी दूर खड़े खड़े भी भुरता हुई जा रही हूँ, ये पास रहकर कैसे काम करते होंगे, एक ने खन्ना साहब से पूछा। यह तो बड़ा ही खतरनाक काम है, जरा सी चूक भूल में सलाख सीधी टांग पर ही आ गिरे। जी हाँ, सो तो है ही, बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी कोई 2 महीने पहले ही एक आदमी की दोनों टांगें कट गई। सच, फिर भी ये लोग यह काम करने आते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, किसी ने पिघलकर पूछा। काम करने, अरे एक की जगह खाली होती है तो 50 टूट पड़ते हैं। आप जानती नहीं, हमारे देश में इंसान की जान बड़ी सस्ती है। चलो बाबा यहाँ से, यहाँ तो अब देखा नहीं जाता। इस बीभत्स दृश्य को देखना उन लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से असहनीय हो रहा था। वहां से चलकर उन्होंने एक एक करके सब देखा कि किस प्रकार तांबे के इन मोटे मोटे बारों को पतला किया जाता है, फिर पैसे के आकार के गोल गोल टुकड़े काटे जाते हैं, उन पर राजकीय मोहर और सन की छाप पड़ती है, उन्हें साबुन और सोडे के पानी में धोकर साफ किया जाता है, फिर 5-7 आदमी बैठकर ढेरियां बनाकर अपने सधे हाथों से खोटे सिक्के चुनते हैं और उन्हें
बकौल खन्ना साहब वापस मिनट में ही खपा दिया जाता है। और यह सब देखते देखते लड़कियों के ताजे दमकते चेहरे क्लांत होकर मुरझा गए। वहां पर उन लोगों के लिए चाय और जलपान की व्यवस्था भी थी। दो नौकर खन्ना साहब की आज्ञा की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े थे। नाज नखरों से पली ये लड़कियां, जिन्हें कभी गरीबी या अभावों की छाया ने भी नहीं छुआ था, मजदूरों के उस भीप्त झांकी को देखकर बड़ी आतंकित हो उठी थी। बैठते ही पूछा, इन मजदूरों को तनख्वाह क्या मिलती होगी? तनख्वाह सैलरी वेतन 60 रुपये मासिक, मासिक महीने के। आदमी केवल 60 रुपये की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल देता है? एक ने आश्चर्य और दहशत से पूछा। संसार को मात्र किताबों के द्वारा जानने वाले इन अनुभवहीन छात्राओं की बुद्धि पर खन्ना साहब मुस्कुरा उठे। गद्दीदार कुर्सियों पर बैठकर रसगुल्ले और गर्मा गर्म समोसे खाते हुए उन छात्राओं का दिल मजदूरों की दुर्दशा बुरी दशा पर करुणा से पसीजा जा रहा था। तभी बाहर से एक औरत के रोने की आवाज से बातों का क्रम टूट गया, क्रम सिलसिला। खन्ना साहब की बाहों पर सलवटें भर आई। परिस्थिति समझने के लिए वे कुर्सी से उठे ही थे कि एक मैले कुचैले कपड़े पहने आंख नाक से पानी बहाती बुढ़िया भीतर चली आई और खन्ना साहब के पैरों पर गिर पड़ी। घृणा से, नफरत से खन्ना साहब ने पांव खींच लिए। उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि यदि ये कोमल शरीर और उससे भी कोमल दिल वाली लड़कियां उस समय वहां न बैठी होती तो उसके सिर पर कसकर लात जमा देते। कड़क कर खन्ना साहब ने पूछा, कौन है तू? यहां कैसे चली आई? तभी रोकता थामता चपरासी आ गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले जिस मजदूर की दोनों टांगे कट गई थी, यह उसी की स्त्री है। स्त्री रोते रोते सिर पटक पटक कर हाथ जोड़कर कह रही थी, उसे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए सरकार, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। बैठे बैठे वह खोटे सिक्के चुनने का काम ही कर देगा। दिमाग खराब हो गया है? जिसकी दोनों टांगे नहीं है वह क्या खाक काम करेगा? चलो हटो यहां से, मौके बेमौके सिर खाने आ जाते हैं। अब कहां जाएं सरकार, 20 साल तक आप लोगों की नौकरी की, आपकी नौकरी में ही टांगे गई। अब कहां जाएं सरकार, हम पर दया कीजिए, नहीं तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। नौकरी में टांगे गई तो क्या मुआवजा नहीं मिला? पूरे 200 रुपये। अब क्या जागीर लिख दूं उसके नाम? चपरासी, बाहर निकालो इसे, मेरे आदमी को बेकार कर दिया, अब वह कहां जाए? उसे यहीं कोई काम दे दो हजूर, नहीं तो। पर वह वाक्य पूरा करती इससे पहले ही चपरासी उसे घसीट कर ले गया। लड़कियों के चेहरों पर व्याप्त करुणा को देखकर खन्ना साहब के लिए सफाई पेश करना जरूरी हो गया। बोले, टांगे कट गई तो हमने 200 रुपये मुआवजे के दे दिए, और हम कर भी क्या सकते हैं? इस तरह इन लोगों को यहाँ बैठाना शुरू कर दें तो टकसाल अपंगों अपाहिजों का अड्डा ही बन जाए। आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद बड़ी कुशलता से उन्होंने इस बात का प्रसंग बदलकर ऐसे चुटकुले सुनाने शुरू किए कि लड़कियां हंस हंस कर दुहरी होने लगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैव ए वंडरफुल डे।